गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। आई होप सो कि सब अच्छे हो। और मैं कल इंट्रो करना भूल गई थी तो मैंने ये आज इंट्रो लिया और मैंने थोड़ा सा बिस्किट खा लिए। सो मैं रेडी हुई हूँ, मुझे एटीएम जाना है और कुछ सामान भी लाना है। सो चलो चलते हैं। और यहाँ पे मेरे सारे सामान लेना हो गया और मैं ये चलती हुई, और घर में आने के बाद क्या करूँ, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था तो मैंने बस यही कर लिया, पता नहीं क्या किया। और उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया, उसके बाद नहा धो के मैंने फ्रेश होके अपना बाल बाल सवार के क्रीम लगा के एंड उसके बाद दवाई खा के उसके बाद एक घंटे बाद मैंने खाना भी खा लिया, भूख लगी थी तो खाना खा लिया। एंड उसके बाद सब कुछ करने के बाद मैं तोतो सजाने के लिए गई थी क्योंकि हमारे बंगाली में होता है तो बस। सो मैं रेडी हूँ इस्कॉन जाने के लिए, पापा के साथ चल रही हूँ। सो मैं कुछ ऐसे तैयार हुई हूँ, चलो चलते हैं। तो मैं जा रही थी पर पता नहीं क्यों मुझे एक गूज़बम्स आ रहे थे, मतलब कृष्णा के वाइब से। और यहाँ पे अनुष्ठान चल रहा था कृष्णा का, सो बस वही देखने के बाद मैं बैठी थी, मतलब मैं जस्ट कृष्णा को देख रही थी एंड सब कुछ बोल रही थी कि मतलब कैसे आप, मतलब लाइफ की सारी मैंने अपने मन की बात जो थी मैंने वो कान्हा को बताया, कृष्णा को बताया। और मैं जस्ट कृष्णा के पास थी और पापा ने मुझे लाके गीता थमा दिया। तो ये लाइफ का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, मतलब अभी तक का तो सबसे बड़ा गिफ्ट है जो पापा ने दिया मुझे। सो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं क्या ही बताऊं। और उसके बाद मैं जस्ट मतलब दिल से इतनी खुश थी कि मैं कैसे उसको जाहिर करूं मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों को क्या बताऊं मुझे ये भी नहीं पता। बस इसको घर ले जाने की इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि कृष्णा मेरे साथ घर आ रहा है। और मेरे आंखों से शायद देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं कितनी खुश थी, मतलब पानी आ रहा था कि कृष्णा मेरे साथ घर जा रहा है। तो कृष्णा को साथ लेने के बाद मैं घर आई एंड उसके बाद तोतो सजाया एक बार फिर से, ये ले मेरे दा लोग। तो बस मिलते हैं कल, तब तक।